हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेटेस्ट टेक अपडेट्स। जैसे कि हमने पहले आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक आपको क्यूरेटेड लेटेस्ट टेक न्यूज़ और अपडेट्स जो भी दुनिया में चल रहा है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, आपको सबको अच्छे से क्यूरेट करके एक ही जगह पे आपको देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, कलीग्स सभी के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो सब भी जान पाएँ कि क्या कुछ टेक्नोलॉजी डोमेन में घट रहा है इस दुनिया में आज के दिन। तो गाइस चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स में यह है कि एक एंटी ट्रस्ट डिस्प्यूट चल रहा है एप्पल वर्सेस गूगल के बीच, जो कि दोनों ही एक बड़े टेक जाइंट हैं। अब ये चल रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड स्टेट्स। अब इशू यह है कि गूगल की सर्च इंजन में मोनोपोली है। आप यहाँ पे देखें तो आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस है गूगल के सर्च इंजन और बाकी सारे सर्च इंजन में, जो याहू है, बिंग है। अब इशू है कि गूगल एप्पल को एनुअली देता है 18 से 20 बिलियन डॉलर्स जस्ट टू मेक श्योर कि एप्पल अपने iOS और macOS डिवाइसेस में गूगल सर्च को ही अपना बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन रखे। मैं यहाँ पे ब्राउजर की बात नहीं कर रहा हूँ ना, इधर आई एम टॉकिंग अबाउट क्रोम और सफारी। सफारी हैविंग गूगल सर्च इंजन इन बिल्ट। अब इससे एप्पल की कितनी कमाई होती है? लगभग 14 to 16% ऑफ एनुअल रनिंग प्रॉफिट में। और अब यहाँ पे आता है इंटरेस्टिंग केस माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा है कि एप्पल को अप्रोच कर रहा है कि एप्पल बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन रखे माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। अब बिंग क्या है? जब से माइक्रोसॉफ्ट ने हैवीली इन्वेस्ट किया है ओपन ए आई का जो ChatGPT 4 मॉडल है, वो OpenAI ने फाइन ट्यून किया स्पेशली फॉर सर्च एंड स्पेशली फॉर बिंग। अब माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि एप्पल ये यूज़ करे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ChatGPT 4 क्या है। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि जनरेटिव एआई के लिए यूज़ किया जाता है। अब जनरेटिव एआई एक और कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसमें कि आप टेक्स्ट या ऑडियो या वीडियो कोई सा भी टाइप का कंटेंट जनरेट कर सकते हो, या तो बोल के या टाइप करके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। अब देखते हैं कि कौन जीतता है, क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन में ऐसा पता चल रहा है कि गूगल कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अपना ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि काफ़ी डिकेड से एप्पल के साथ है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि एप्पल सीक्रेटली अपना खुद का भी सर्च इंजन बना रहा है। उसके कोड नेम है पेगासस, बट अभी कोई ऑफिशियली खबर नहीं है। ये कुछ जो लीक्स होते हैं उससे पता चला है। और उसने कई एक्स गूगल एम्प्लॉइज़ जो कि सर्च इंजन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उनको हायर भी किया हुआ है। अगला अपडेट गाइज ये है कि एसेंचर जो कि US टेक फर्म है, उसने बताया है कि वो इस साल पे हाइक्स नहीं देगी एम्प्लॉइज़ को। खैर, सुनने में तो एक खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट उन्होंने ये भी कहा है कि वो बोनस भी रिड्यूस करेगी और अगले साल की मिड तक 2024 तक बोनसेस और प्रमोशंस भी नहीं देगी। अब ऐसा हुआ है ये इंडिया और श्रीलंका में। बेसिकली श्रीलंका में भी एसेंचर का ऑफिस है कोलंबो के पास। अब इसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि जो उनको ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी इस साल, वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे है, और जो मैक्रो एनवायरनमेंट बन रहा है और जो ग्लोबल इकोनॉमी में अभी भी एक ठहराव सा है, उसके कारण उनको ये बड़ा और कठिनाई से भरा डिसीजन लेना पड़ा है। इसी के साथ साथ SCL इन्फोटेक और विप्रो भी इस टाइप के डिसीजंस जल्दी ले सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर यह है कि इन्फोसिस जो कि काफ़ी बड़ी इंडियन कंपनी है, इस साल कैंपस हायरिंग के लिए नहीं जाने वाली है। अब ये नए ग्रेजुएट्स और जो बीटेक और जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी 3rd ईयर 4th ईयर में, उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है। बट रियलिटी ये है कि उनको जो ग्रोथ चाहिए थी US मार्केट से, जो उनके की मार्केट्स हैं, वहाँ पे उनको नहीं मिल रही है। बड़े बड़े क्लाइंट ने प्रोजेक्ट वापस ले लिए हैं और वो रिन्यू नहीं करा रहे हैं। अब इन्फोसिस हर साल लगभग 40 से 50 हज़ार कैंपस रिक्रूट्स करती थी, बट इस साल उनका ये रीज़न ये है कि उनके पास जो ऑलरेडी बेंच है, जो लोग अभी हायर किए हैं लेकिन उनको प्रोजेक्ट में एलोकेशन नहीं मिला है, वो काफ़ी बड़ी हुई है। और वो ये कह रहे हैं कि हम इनको ही काफ़ी ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए इस साल हम कैंपस हायरिंग स्किप करेंगे। अब अभी ये ऐसी कुछ खबर बाकी कंपनीज जैसे TCS, विप्रो, SCL इनसे तो नहीं आई है, बट उम्मीद है कि इनके अलावा सारी कंपनीज कैंपस हायरिंग में जाएं और हमारे स्टूडेंट्स और जो जॉब सीकर्स हैं उनको काफ़ी IT में जॉब मिलते रहें। और गाइज न्यूज़ में मैंने ये भी पढ़ा है कि टेक महिंद्रा ने भी अपने अप्रेजल्स डिफर किए हैं बट ओनली फॉर सीनियर एम्प्लॉयज़। तो गाइज मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि आप जहाँ भी हैं अगर आप काम कर रहे हैं तो अपना परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रखिए, और अगर आप थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं तो आप अपनी पढ़ाई पे और जो इंटरव्यू स्किल्स हैं उसमें बहुत ध्यान रखिए। मैं भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि आप कंपनीज़ को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप पास आउट हो गए हैं, आप थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या एक साल से आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप कैसे रिज्यूमे बना सकते हैं, आप कैसे कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। मैं इन सब के लिए एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो कीप फॉलोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। ऑल्सो कौन सी टॉप टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें आपको जॉब मिल सकती है, जिसमें कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है या एक टूल सीखना है, ये सब भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कौन से टॉप 5 टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनमें कि अगर आप मास्टर कर सकते हैं विद इन 4 to 6 month और आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब गाइस दो अच्छी खबर भी हैं। एक तो ये कि TCS ने कहा है हम तो 40,000 फ्रेशर इस साल फिर से हायर करेंगे और कोई ले ऑफ का प्लान नहीं है। ऑल्सो इन्फोसिस वाइजैग विशाखापट्टनम में एक और कैंपस स्टार्ट कर रही है जिसमें वो 1000 फ्रेशर्स हायर करने वाली है। दोस्तों अभी तक के टेक अपडेट्स आपको कैसे लगे? अगर आप इन्हें सभी को इन्जॉय कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एक क्यूरेटेड टेक अपडेट्स की लिस्ट आप लोगों के लिए लाने के लिए, जो कि हाई ऑन वैल्यू रहें और आपको सुनने में और आपके दोस्तों के साथ शेयर करने में मज़ा आए। तो अगला टेक अपडेट्स ये है कि गाइस, जैसे कि आप में से बहुतों को ये पता होगा कि अगस्त 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बैन लगा दिया है लैपटॉप और कंप्यूटर हार्डवेयर को इंपोर्ट करने पे। अब ये बैन इसलिए लगाया गया था कि जो हमारा इम्पोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हैवीली कुछ ही देशों पर रिलाई करता है, जैसे कि चाइना। तो हम चाह रहे थे कि हमारा इम्पोर्ट का जो लोड है वो थोड़ा कम हो, और ऑल्सो ये एक बूस्ट देता है लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन हाउस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करें कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक लैपटॉप और टैबलेट एंड मोबाइल फ़ोन्स। अब आज के दिन की खबर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बैन अभी हटा दिया है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी मिनिस्ट्री है और कुछ देशों की मिनिस्ट्री, उनकी काफ़ी मीटिंग्स हुई इस बारे में, और मोस्टली अमेरिकन जो कंपनीज है जैसे कि एप्पल हुआ, डेल, HP, इन सब कंपनीज़ ने काफ़ी इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया इस बैन को। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम के दौरान हमारी सरकार एक क्लोज मॉनिटरिंग करेगी कि क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और हार्डवेयर आइटम्स इम्पोर्ट हो रहा है और किस देश से हो रहा है और किस छोटे से छोटे कैटेगरी के तहत हो रहा है। तो अभी इसमें अपडेट यह है कि हमारी गवर्नमेंट एक क्लोज मॉनिटरिंग करेगी इन सारे इंपोर्ट्स की, और हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर है एनुअली, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और ये हमारी इकोनॉमी, GDP सबको बहुत असर करता है। तो अगली बड़ी टेक अपडेट ये है गाइस कि गूगल ने पासकीज को बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना दिया है अपने सारे प्लेटफॉर्म्स में। तो चलिए जानते हैं क्या है पासकीज, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्या डिसएडवांटेज थे हमारे ट्रेडिशनल ऑथेंटिकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहले कि अगर आज के दिन आप किसी वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं तो आपको साइन अप करना पड़ता है, जिसमें कि आप आपकी डिटेल्स डालते हैं और एट द एंड यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। अब इस पासवर्ड डालने में क्या इशू है कि आपको पहली बात तो याद करना पड़ता है, या तो आप इसे ऑफलाइन नोट करते हैं, ऑनलाइन नोट करते हैं, और दोनों जगह में इसे घूमने और मिस होने या भूल जाने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके बाद आया 2FA, जो कि काफ़ी अच्छा माना गया, बट उसमें भी कंपनीज़ को काफ़ी कॉस्ट उठानी पड़ती है, और आपको एक और लेवल का SMS या पुश नोटिफिकेशन या जो गूगल कोड भेजता है वैसा कुछ लाना पड़ता है। अब इससे ये इशू है कि आपको एक लेवल और जाना पड़ता है आगे। अब गूगल चाहता है कि सारा इंटरनेट सेफ़र हो जाए, तो एक मोस्ट सिक्योर्ड मैकेनिज़्म लॉन्च किया है जिसका नाम है पासकी। आज के दिन पासकी ऑलरेडी सारे मेजर ब्राउज़र्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स सपोर्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे iOS हुआ, macOS हुआ, विंडोज़ हुआ, और क्रोम हुआ, सफारी हुआ, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, ये सारे पासकीज को सपोर्ट करते हैं। अब क्या होगा कि क्या मैकेनिज़्म है आपको बताता हूँ पासकीज का। तो जैसे कि आप अपना मोबाइल फ़ोन खोलते हैं या कोई लैपटॉप खोलते हैं, तो आज के दिन आपको यूज़र नेम के अलावा पासवर्ड नहीं डालना है, कोई टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पिन या मोबाइल का पैटर्न या फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक यूनिक की जनरेट होगी अब वो की आपके ही फ़ोन में स्टोर रहने वाली है, उसके मैचिंग एक पब्लिक की उस सर्वर पे जाएगी जिस सर्वर को आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे facebook.com हुआ या google.com हुआ। अब क्योंकि जो रियल की है वो आपके ही सिस्टम में इन्वॉल्व है, किसी भी सर्वर पे या इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, इस मैकेनिज्म को कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ये काफ़ी सिक्योर सिस्टम है और काफ़ी पुराने सिस्टम है, कोई एक नया इनोवेशन नहीं है, बट इससे ये मेक श्योर होगा कि आपका पासवर्ड किसी भी सर्वर या किसी भी सिस्टम में होगा ही नहीं, तो हैकर क्या कैसे उसको हैक करेंगे। दूसरी बात यह है कि यूएक्स बहुत बेहतर होगा, आपको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट अपना फ़ोन खोला, डिवाइस खोला और ये पूरा सीमलेस आपका चलेगा। अब गूगल तो ये बोल रहा है कि गूगल पासवर्ड मैनेजर जो आप पहले यूज़ करते थे उसी में ही अभी भी पास कीज स्टोर होंगे और अक्रॉस द डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर पीसीज और मोबाइल फ़ोन्स, बेसिकली एंड्रॉयड, आईओएस, इन सब में वो सीमलेसली सिंक रहेगा ड्यू टू गूगल पासवर्ड मैनेजर। अब देखने के लिए ये है कि कैसे लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियल इंप्रेशन तो आ रहे हैं, लोग इससे काफ़ी खुश हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपनी पासकीज़ बना सकते हैं गूगल अकाउंट पे। तो ये रहा गूगल का मेन पेज, ये आपको फॉरवर्ड करेगा आपके साइन इन के लिए, आप जल्दी से साइन इन कीजिए। अब क्योंकि मैं अपने iMac में ट्राई कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिंस फिंगरप्रिंट और स्क्रीन लॉक नहीं है तो उसने अपने लिए क्रिएट कर दी परमिशन लेके एप्पल ने। बाकी आप आपके फिंगरप्रिंट, पिन, पासकोड और किसी भी चीज़ को यूज़ करके अपनी पासकी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पासकी क्रिएट हो गई है, अब ये मैंने अपने iCloud के कीचेन में सेव कर दिया। अब मैं इसे अक्रॉस एप्पल डिवाइसेस यूज़ कर सकता हूँ, मुझे कोई लॉगिन पासवर्ड डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और यूज़ कीजिए और हमें इस चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो के कि आपको कैसा लगा ये नया कंसेप्ट जो कि गूगल लाया है एक सीमलेस ऑथेंटिकेशन एक्सपीरियंस के लिए। तो गाइज़ अब टाइम है आपके लिए आज का लेटेस्ट और आखिरी टेक अपडेट। तो गाइज़ जैसे कि आपको पता है, जैसे ही OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया एक रेवोल्यूशन सा आ गया है पूरी इंडस्ट्री में, वो टेक्नोलॉजी हो, वो इंडस्ट्री हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो। आपको जस्ट कुछ वर्ड्स टाइप करना है जिसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं और AI आपके लिए जनरेट करके देगा कोई से भी टाइप का टेक्स्ट, कोई से भी टाइप का कॉन्टेंट, जैसे कि टेक्स्ट हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ और बहुत सारा कुछ। तो जैसे कि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है OpenAI में और ChatGPT जो है वो GPT-4 मॉडल पे बेस्ड है। उसी के तुरंत कुछ दिनों बाद गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च किया है जो कि सेम चैट असिस्टेंट है और जनरेटिव AI को ही उसने भी यूज़ किया गया, बस उसका ट्रांसफॉर्मर, उसका मॉडल अपना दूसरा है। ताज़ा खबर यह है कि फेसबुक ने भी अपना एक ChatGPT लुक अलाइक चैट असिस्टेंट लॉन्च कर दिया जिसका नाम है Llama 2, जो कि Llama 1 पे ही बेस्ड है, बट ये 40% मोर डेटा पे ट्रेंड किया हुआ है। ऑल्सो ये 7 बिलियन से लेके 70 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेंड मॉडल है और इसको ऑल्सो अगर आप डेवलपर हैं तो इसको थोड़ा फाइन ट्यून किया गया है प्रोग्रामिंग टास्क के लिए। तो जैसे कि आप ChatGPT यूज़ करते हैं या तो Bard यूज़ करते हैं, आप चाहें तो Llama 2 भी ये यूज़ कर सकते हैं, आपको ये मिलेगा meta.ai.com पे। अब बात यह है कि क्या खास है इसमें ChatGPT से और Bard से। तो इसको इंटरेस्टिंगली बनाया गया है ताकि ये लेस कंप्यूटेशनल पावर ले रन करने के लिए। तो गाइज़ ये थे हमारे सारे लेटेस्ट टेक अपडेट्स इस वीक के। और एक और बोनस अपडेट है मेरे पास आपके लिए, अगर आप डेवलपर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बनना चाहते हैं या आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक अच्छी सी लाइब्रेरी के बारे में बताऊँगा जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके काम के लिए या आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों आपके लिए हम एक फेमस गिटहब रेपो लाए हैं सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए। अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो ये रेपो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि API के आर्किटेक्चर्स और डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड GraphQL, हाउ टू इम्प्रूव API परफॉर्मेंस और ऐसे बहुत सारे काम के कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सारे नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में या काम में भी यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसे बुकमार्क कर लीजिए, इसमें काफ़ी थाउजेंड्स स्टार्स हैं एंड आई होप कि आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। तो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आई होप यू रियली लाइक दिस एंड इफ़ यू डिड मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, कलीग सभी के साथ इसे शेयर कीजिए एंड एट लास्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल टेक मॉन्ग कपिल सो दैट यू नेवर मिस एनी टेक रिलेटेड अपडेट्स।